वेलकम अगेन, गुड मॉर्निंग विद सभी, आपके खिदमत में एक बार फिर एंड सेलिब्रेट टू 14th अगस्त। और ये आप देख रहे होंगे बहुत सारे ऑफ माय गॉड मेडल्स, कप्स एंड अवार्ड, शील्ड, सर्टिफिकेट्स एंड लॉट्स ऑफ थिंग्स। मैं ये कहूँगी बहुत सारे यहाँ पर इनामात मौजूद हैं और ये मैंने कोई दुकान नहीं लगाई हुई। और स्पेशली 14 अगस्त पर मैंने एक, हम लोगों ने एक प्री प्लान किया था कि हम अपने पाकिस्तान के तमाम ऐसे लोगों को, ऐसे स्पोर्ट्समैन्स को, मेल एंड फीमेल्स, उनको हम अप्रिशिएट करेंगे। और हमने काफ़ी हद तक, मैं ये नहीं कहूँगी पूरे कामयाब हो गए, लेकिन काफ़ी हद तक हमें कामयाबी नसीब हुई कि स्पेशली जो रिगार्ड मैंने देना था 14 अगस्त पे टैलेंटेड यूथ को, वो मैंने अचीव किया। आई फील वेरी प्राउड। एंड यहाँ पर इस वक्त जो लोग मौजूद हैं जिनसे मैं मिलवाऊँगी, वो सारे प्राइड ऑफ पाकिस्तान हैं। आई सल्यूट जिन्होंने पाकिस्तान का नाम रोशन किया नेशनल लेवल पे, इंटरनेशनल लेवल पे, और बहुत सारे इनामात हासिल किए। यस, और उनके माँ बाप इस वक्त ये शो देख रहे होंगे, उनके पेरेंट्स, मैं उनको सलाम पेश करती हूँ कि उनके ये खूबसूरत स्टार्स आज वाकई में स्टार्स हैं। वो है कैपेबल। लेट्स सी, हम चलते हैं अपने प्रोग्राम की जानिब। एंड स्पेशली 75वां 14 अगस्त आज हम सेलिब्रेट करें। और हमने डे बाई डे आपको बहुत सारे स्पोर्ट्समैन से मिलवाया और आज भी मौजूद हैं। एक बार मेरे प्रोग्राम में पहले भी आ चुकी हैं, लेकिन स्पेशली रिगार्ड टू 14 अगस्त, तो हमने कहा उनको दोबारा बुलवाया जाए एंड स्पेशली थैंक्स किया जाए और उनको भी सलाम पेश किया जाए। हमारे दरमियान सबसे पहले यहाँ तशरीफ रखती हैं मरियम शाहिद, और इंटरनेशनल लेवल पे उन्होंने मेडल सर्टिफिकेट्स हासिल किया और वो है टेनिस की चैंपियन। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। चैंपियन चैंपियन है, कैसे हो आप? ठीक हो? अल्हम्दुलिल्लाह, अच्छा लग रहा है। आई फील वेरी प्राउड यार, रियली। अब मेरी बच्चियाँ थोड़ी सी दूर है, जो आप करीब है थोड़ा उनसे शेक हैंड तो कर लूँ, दिल को खुशी होती। यकीन करें ये हरा रंग, ये पर्सनैलिटी, ये इसमें ये एक बड़ा प्राइड महसूस करता है बंदा, प्राउड, फखरे पाकिस्तान। यस, हमारे दरमियान उसके बराबर में तशरीफ रखती हैं हानिया नवेद, और वो हैं टेनिस की चैंपियन। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हो? मैं अल्लाह का शुक्र ठीक। अभी बहुत सारी बातें करनी है एंड थैंक्स फॉर कमिंग बीरून शो 14 अगस्त। और माशाल्लाह फ्लैग एक रिप्रेजेंटिंग, क्या बात है हानिया। हम आपसे बहुत सारी बातें करेंगे, पहले हम अपने गेस्ट से मिलवा देते हैं उसके बाद। अच्छा जी, यहाँ पर अभी ख़त नहीं हुए, बहुत सारे लोग हैं। मैं तो यकीन करें मैं बहुत सारे शोज़ भी करूँ तो अपने पाकिस्तान के प्राइड, फ़ख्रे पाकिस्तान लोगों से मैं आपको मिलवाती रहूँगी, वो ख़त्म नहीं होंगे। और हर चप्पे चप्पे में कराची के, पाकिस्तान के हर जगह पर कोई ना कोई पाकिस्तान के झंडे को बुलंद के लिए रेडी है। यस, ये है सैयदा इरज, ये भी टेनिस की चैंपियन है। अस्सलाम वालेकुम। हाउ आर यू? आई एम फाइन, हाउ आर यू? कैसे हो? ठीक हो? गुड हो? क्या बात है, माशाल्लाह माशाल्लाह, अभी बहुत सारी बातें इंशाल्लाह। थैंक्स फॉर कमिंग। अच्छा जी, अब आइए अनायता फातिमा, लिटिल खूबसूरत प्यारी सी बच्ची, कराटे की चैंपियन। जब ये अपना अवार्ड उठा के अंदर आ रही थी ना, मैंने कहा ये गिरी तो गिरी, लेकिन ये रिगार्ड टू सल्यूट टू इनके पेरेंट्स एंड आई फील वेरी प्राउड के अनायता इस वक्त हमारे दरबार मौजूद। अनायता फातिमा, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसे हो गुड़िया? मैं ठीक हूँ। थैंक यू सो मच, आपने मेरे शो को शर्फ बख्शा, थैंक यू सो मच। हम लेट्स सी, हम लोग प्रोग्राम की जानिब चलते हैं। और जी, मैं बात करूँगी इस वक्त यहाँ पर मरियम शाहिद। मरियम, अब मेरी अपोनेंस देख कर हो रही है, और जब आप किसी और कंट्री में जाती हैं रिप्रेजेंट ऑफ पाकिस्तान एंड पाकिस्तान के झंडे को आप रिप्रेजेंट करते हो, व्हाट्स अ फीलिंग यार, क्या होता है, कैसा फील होता है? वो फीलिंग आप बता नहीं सकते, एक्सप्रेस नहीं कर सकते, यू कैन नॉट एक्सप्रेस। बहुत अच्छी होती है, क्योंकि बहुत फ़ख्र की बात होती है कि पाकिस्तान का नाम आप इंटरनेशनल फोरम पे लेके जा रहे हो। सो यू हैव टू मेक श्योर कि भाई आप इसकी हिफाजत करें, क्योंकि पाकिस्तान का नाम है, कंट्री का नाम से जुड़ा हुआ है, तो आपको उसकी हिफाजत करनी है एंड यू हैव टू रिप्रेजेंट इट नाइसली। यानी पाकिस्तान है तो हम हैं जी। कदर होती है जब दूसरे लोगों के साथ एक कंपटीशन में आप ये नहीं रिप्रेजेंट कर रहे हो कि यस मरियम आई है जी, नो पाकिस्तान आया है और पाकिस्तान, मरियम पाकिस्तान से आई है, ऐसा एट दैट टाइम यू आर पाकिस्तान। मरियम ने बात ही खत्म कर दी। अच्छा, इनके बराबर में जो है मौजूद है वो हानिया है। हानिया भी टेनिस को प्रेजेंट करती है। हानिया, कॉन्ग्रेचुलेशन एंड लॉट्स ऑफ अवार्ड एंड रिगार्ड। थैंक यू। मैं अराउंड 4 कंट्रीज में
पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर चुकी हूँ इंटरनेशनली और हर दफ़ा ही सेम जज्बा और जोश होता है, फीलिंग होती है जब पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं और लाइक पाकिस्तान का फ्लैग होता है और ये जो हमने सब ने पहना हुआ है इसकी अलग एक फीलिंग होती है जब आप पाकिस्तान के लिए खेल रहे होते हैं। तो बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा है और इंशाल्लाह आगे भी इसी तरह पाकिस्तान के लिए खेलेंगे इंशाल्लाह। अभी बहुत सारे मज़े मज़े की गुफ्तगू होगी और दिल की बातें होंगी, ठीक है। आज हम लोग सेलिब्रेट कर रहे हैं 75वीं 14 अगस्त की खूबसूरत आज़ादी का दिन हम सेलिब्रेट कर रहे हैं वीनस एलजी टीवी चैनल एंड गुड मॉर्निंग विद सभी में। अच्छा जी, यहाँ पर है सैयदा इरज और वो भी टेनिस को रिप्रेजेंट करती है। क्या बात है जी, जीत के आ गए, विन किया। मैंने भी अराउंड 4 to 5 कंट्रीज़ में पाकिस्तान को रिप्रेजेंट किया है और जिसमें से अल्हम्दुलिल्लाह 2 से 3 मरतबा हम लोगों की एज अ टीम इवेंट भी हम लोगों की पोजीशन रही है पाकिस्तान को और पर्सनली भी मेरी रही है। ये मैंने गोल्ड मेडल भी लिया था, पाकिस्तान गई थी। अब इस अल्लाह देखो, एक हम लोग जो हम जैसे गोल्ड मेडल कहते हैं ना, हम कितना सोना बना लें अपने लिए, एक बात ऐसे ही कितना भी सोना बना रहे तो वो खूबसूरत जो है हमें वो मज़ा नहीं आता, वो चीज़ जो एक प्राउड महसूस होता है ना कि यस हमने, और अभी ये इस मेडल में कितना फ़र्क है देखिए। डेफिनेटली बहुत ज़्यादा है क्योंकि इससे हमारी कंट्री का नाम भी जुड़ा हुआ है, तो जब हम दूसरी कंट्रीज़ में जाते हैं तो हमें वहाँ हमारे नेम से कॉल नहीं किया जा रहा होता, बेसिकली हमें हमारी कंट्री के नेम से रिप्रेजेंट किया जा रहा होता है, तो वो विच इज़ समथिंग वेरी डिफरेंट एंड क्लोज टू आवर हार्ट्स के हमारे कंट्री का नाम लिया जा रहा है और हमारा फ्लैग वहाँ पे लहराया जा रहा है, तो वो फीलिंग ही अलग होती है। अच्छा, ये मैंने सिर्फ अपनी बहन आपका एक मेडल अपने हाथ में लिया है तो आई फील बेटर, मतलब अच्छा लग रहा है कि मेरे पाकिस्तान की किसी लड़की, आपको कैसे फील हुआ जब आपके गले में उन्होंने डाला और माय गॉड, मतलब बहुत डिफरेंट फीलिंग थी और एक्साइटमेंट में उस वक्त तो आंसू ही बह रहे थे, बट ये है कि अभी जब वापस आते हैं तो फैमिली इतना वार्म वेलकम करती है, अपनी फ्रेंड्स वगैरह फैमिली फ्रेंड्स सब बहुत अच्छा मतलब प्राउड फील करते हैं, तो बहुत अच्छा लगता है कि हम अपनी कंट्री के लिए कुछ कर पा रहे हैं। क्या बात है, अपनी कंट्री के लिए क्लैप फॉर इरज फातिमा। अच्छा जी, हम यहाँ पर ऑफ कोर्स इरज से बात कर रहे हैं और अच्छा अच्छा फील भी कर रहे हैं और हमें खुश होना चाहिए और अप्रिशिएट करना चाहिए, हम कंपेयर ना करें कि हम लड़के लड़की, हमने बहुत आगे जाना है अपने पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करना है। उधर कितनी हज़ारों की तादाद में जो है वो लड़कियां होंगी जिन्होंने डिफरेंट कंट्री से आई होंगी, उन्होंने पाकिस्तान में खेला होगा, वहाँ पर पाकिस्तान को आपने रिप्रेजेंट किया, उन्होंने वहाँ खेला होगा, उसमें एकदम विन करना ये कोई ये छोटी बात नहीं है गुड़िया, बहुत बड़ी बात है। I feel proud. अच्छा जी, इसके बराबर में बैठी है अनायता फातिमा। अच्छा, अनायता फातिमा इस वक्त इन तीनों से तो छोटी है, अब अनायता से पूछते हैं कि उन्होंने क्या विन किया, कहाँ पे जाके क्या प्रेजेंट किया। ऑफ कोर्स वो कराटे की, मैं ये कहूँगी चैंपियन इस वक्त। अस्सलाम वालेकुम अनायता। वालेकुम अस्सलाम, कैसे हो आप? ठीक, मैं ठीक हूँ। बताएं जी, इतने चुप चुप हैं, खूब मैंने सुना है धमाकेदार आपकी जो है परफॉर्मेंस है, ये बताएं कहाँ पे कैसे क्यों, ये सब मुझे ज़रा आप बताइए अपने अल्फाजों में। मैंने इंटरनेशनली भी और नेशनली भी खेले हैं और इंटरनेशनली मैंने श्रीलंका मलेशिया थाईलैंड में खेला है और श्रीलंका में मैंने गोल्ड मेडल जीता है और मलेशिया में ब्रॉन्ज। गुड गुड, ओके। और जब मेडल पहनाते हैं तो बहुत अच्छी फीलिंग आती है कि ना वर्ड्स के अंदर डिस्क्राइब नहीं हो सकता, और जब और ना बहुत मोटिवेशन आती है कि ना हम लोग और भी मेडल्स देंगे इंटरनेशनली और नेशनली जाके, और जब हम लोग घर जाते हैं तो फैमिली के भी और सपोर्ट होती है तो और ही खुशी होती है। क्या बात है, ज़बरदस्त अनायता फॉर यू। अच्छा, जब आपने कहा कि एक अलग सी हैपनिंग्स होती है, हम किसी और कंट्री में जाते हैं, सबसे ज़्यादा किसने सपोर्ट किया था आपको? सबसे ज़्यादा मेरे भाई और मेरे कोचेस ने किया था सपोर्ट, और फिर उसके बाद सर नसीम और सर जहांगीर ने किया था। क्या बात है, सर नसीम एंड सर जहांगीर एंड योर ब्रदर एंड फादर, सबसे ज़्यादा कोच ने सबसे। अच्छा, ये भी एक बात बताएं मुझे कि ऑफकोर्स आपके फैमिली में किसी ने ये नहीं कहा कि हाँ या ना, तो क्या है इसकी तो कल शादी कर देनी है, ऐसे तो कुछ नहीं कहा था? नहीं, वो तो बहुत सपोर्ट करते हैं मुझे घर वाले। डिसीजंस कितने लोगों के दांत बंद तोड़े हैं वैसे, कभी गुस्सा आया होगा? नहीं, ऐसा नहीं आता रियली।
कभी किसी मोहल्ले में लड़के ने तंग किया हूँ छोड़ूंगी ऐसा नहीं ना इतना बहुत अच्छी बच्ची इसे पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर रही है ना मोहल्ले वालों को तो नहीं चलिए जी हम बात करेंगे जरा बच्ची का मूड एक है क्योंकि सारी सीनियर जरा है बच्ची जूनियर है अच्छा अवार्ड्स मैं चाहूँगी जरा शील्ड्स के ऊपर जरा कैमरा भी हो वन बाय वन और हम साथ साथ बात करें मैं इनसे बात करूँगी मरियम मरियम ये बताएं कि ऑफकोर्स एक लेडी का कॉन्सेप्ट हमेशा लोगों के लिए एज मैं दूसरे कंट्रीज में देखती हूँ बड़ा ओबलाइज किया जाता है इनक्रेज किया जाता है उनके गेम्स एक्टिविटीज़ में कोई ये नहीं कि ये स्विमिंग लड़की कर सकती लड़का नहीं जी ये गेम ये खेल सकती वो नहीं वहाँ पर सबको अपॉर्चुनिटी दी जाती है और वो अपने मुल्क का बड़ा नाम वकार ऊँचा करती तो आप क्या समझते हो कि गवर्नमेंट लेवल पे या इंटरनेशनल लेवल पे जब जाते हो टैलेंट तो बहुत है ऐसा ही है घर के घर वालों से लड़ लड़ के हौसले भी बढ़ा लिए हमने मनवा भी लिया अपने आप को तो कहाँ लगता है यार यहाँ पर ये कमी ये पूरी हो जाए तो हमारे पाकिस्तान में एक ज़मीन से बहुत सारे और टैलेंट निकल आएंगे ऐसा है कि नहीं ऐसा है बहुत सारे पाकिस्तान में जो मतलब इंटरनेशनल गेम्स हैं जो पाकिस्तान में नहीं हैं ठीक है इस बात का दुख है हाँ क्योंकि जब हम इंटरनेशनल फोरम पे जाते हैं तो बहुत सारे गेम्स हो रहे होते हैं वहाँ पे पाकिस्तान का कोई नहीं होता है सो वी हमें अजीब सा लगता है टू बी ऑनेस्ट बट अपार्ट फ्रॉम दिस पाकिस्तान आहिस्ता आहिस्ता टैलेंट आ रहा है पॉलिश हो रहा है एंड इंटरनेशनल फोरम पर रिप्रेजेंट हो रहा है बट ऑब्वियसली इट टेक्स टाइम ठीक है और उस वक्त के साथ ही सब सही हो सकता है बट वी नीड टू यू नो हमें कंसंट्रेट करना चाहिए टैलेंट को जो भी हमारे पाकिस्तान में टैलेंट है उसको पॉलिश करना चाहिए एंड इनको इनक्रेज करना चाहिए कि वो कुछ कर सकते हैं क्योंकि अगर आप एक चीज़ को दबा दोगे एंड आप उनको डीमोटिवेट करते जाओगे तो दे कैन नॉट डू प्रेशर बहुत होता है हर चीज़ का क्योंकि जब आप इंटरनेशनल फोरम पर होते हो बहुत प्रेशर होता है आपके ऊपर सो उसको टैकल करने की कुछ करवाना चाहिए मैं एक बात कहना चाहूँगी ज़रा नम होती है मट्टी बड़ी ज़रखेज़ है साकी वो बात है कि हमारे मुल्क में टैलेंट बहुत है सिर्फ एप्रिसिएशन रिगार्ड की और उसको थोड़ा सा तराश खराश करने की ज़रूरत है हम कोयले से हीरा भी निकालते हैं तो उसको भी कुछ ना कुछ शेप दे देते हैं कि इसको अंगूठी में लगाना है या आपको नेकलेस में लगाना है तो ये बहुत ज़रूरी है हमारे मुल्क में बहुत सारे ऐसे हीरे हैं डायमंड मौजूद हैं और ये डायमंड की चमक जब दूसरे मुल्क से इसकी शुआएँ लगती हैं तो हमें बहुत फख्र महसूस होता है लेकिन इसके लिए हमें थोड़ी स्ट्रगल थोड़ी इनकरेजमेंट थोड़ा उनको सपोर्ट की ज़रूरत है हम चलते हैं अपनी सेकंड हानियत की जानिब है हानिया से पूछेंगे कि ऑफकोर्स कुछ घर के मामलात होते हैं स्पोर्ट्स में आज ये आगे चली गई अब तो लोग अप्रिशिएट करते होंगे शुरू में एक क्योंकि मैं उन लोगों की तरफ जाना चाह रही हूँ जैसे व्यूवर्स बैठे हुए हैं वो अक्सर उनके घर में बहुत सारी बच्चियाँ हैं वो हमें देख रही होंगी आज बड़ा दिन है तो वो देख रहे होंगे वो फील कर रही होंगी कि यार हमें ये आता है लेकिन हमारे पेरेंट्स हमें परमिशन नहीं देते बहुत सारी ऐसे गेम्स हैं शायद मुझे उनके नेम नहीं आते हो वो एक स्टिक से एक जंप करके उस तरफ जाना एक एक बड़ी जंप लगाना ये कुछ इतने बड़े टिपिकल्स गेम नहीं है लॉन्ग जंप वगैरह स्कूल गोइंग में तो हम करते थे तो वो गेम्स हैं कुछ थ्रो बॉल बड़ी दूर तक फेंकने का है तो अब बहुत सारे गेम्स ऐसे हैं जो एक लेडी खेल सकती है ईजीएस्ट ठीक है ज़रूरी नहीं कि क्रिकेट के ऊपर ही सारी इन्वेस्टमेंट हो हमारे मुल्क में इन सब गेम्स को बच्चियों के गेम्स को ओबलाइज किया जाए और उन सब को दूसरे कंट्री में सुपर स्टाइल में प्रेजेंट किया जाए आप क्या कहते हो ऐसी बात है कि टैलेंट बहुत है अक्सर लड़कियों के लिए तो घर से परमिशन नहीं होती लेकिन अल्लाह का शुक्र है मेरे घर में ऑलमोस्ट बचपन से ही मैं स्पोर्ट्स में हूँ और ये मसला नहीं हुआ लेकिन मोस्टली पाकिस्तान में यही देखते हैं कि लड़कियों को परमिशन का मसला होता है घर से और पढ़ाई की वजह से भी काफ़ी लोग रह जाते हैं लेकिन मैं यही कहूँगी कि परमिशन अगर किसी के अंदर टैलेंट है तो उसको ज़रूर चांस ज़रूर देना चाहिए ज़रूर ताकि आगे जाने की जो है पाकिस्तान में अपॉर्चुनिटी है लेकिन यही है कि यहाँ पे फैसिलिटीज़ और सपोर्ट बहुत कम है जिस वजह से इवन दो हम लोग जा रहे हैं रिप्रेजेंट करने चले जाते हैं लेकिन हमारी परफॉर्मेंस उस लेवल की नहीं हो पाती क्योंकि हमारे पास फैसिलिटीज़ नहीं है ट्रेनिंग कम है उस इंटरनेशनल लेवल की कोचिंग यहाँ पे नहीं मिलती तो मेरा ख्याल है कि गवर्नमेंट को चाहिए कि क्रिकेट से हट के डिफरेंट स्पोर्ट्स में जो है वो अपना पार्ट प्ले करे और हमें सपोर्ट करे ताकि हमारी परफॉर्मेंस भी इंटरनेशनल लेवल की हो ताकि हमें ट्रेनिंग मिलनी चाहिए और मेन चीज़ ये है कि जैसे टेनिस है इट्स अ वेरी एक्सपेंसिव स्पोर्ट तो उसके लिए हमें स्पॉन्सर्स की ज़रूरत होती है जो हमें बहुत ही आई एम प्लेइंग ऑलमोस्ट सिंस ऑलमोस्ट 9 years तो मुझे अभी तक स्पॉन्सर ऐसे कोई नहीं मिला कि मैं आगे इंटरनेशनली पाकिस्तान को
बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज थी लेकिन मैं नहीं जा सकी क्योंकि स्पॉन्सर्स होते हैं तो फिर ईजी होता है. तो मेरा यही कहना है कि सपोर्ट और फैसिलिटीज़ हों तो बहुत आगे जा सकते हैं, बहुत टैलेंट है पाकिस्तान में. वैसे मैं आपकी बात इतने गौर से सुन रही हूँ और एक बात सोच रही थी कि वो जो लोग बेचारे इतने प्रैक्टिस करती होंगी और कहती होंगी हमारा मुल्क इतना हमें सपोर्ट करता है, हम फिर इन लोगों से जीत नहीं पाए क्योंकि ये पाकिस्तान का ख़जाना है. ये पाकिस्तानी हैं हम लोग, इसीलिए हमें बहुत सारी प्रॉब्लम ज़रूर आती हैं लेकिन हम फिर भी वन कर जाते हैं. सगीदा अरज, जिस तरह आपने कहा मैं इंटरनेशनल लेवल पर प्रेजेंट किया, विन किया, आपने अपनी फीलिंग भी जाहिर की कि मैं जीती और मुझे ये, लेकिन जिस तरह मेरी प्यारी बहन ने कहा कि बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं और अगर देखा जाए तो घर वाले भी रिस्ट्रक्शन देते हैं, कुछ फिर गवर्नमेंट की भी सपोर्ट दी. एक मैं एक एग्जांपल दे रही हूँ, एक घर में एक लड़की है और ये स्टोरीज भी मेरे पास आई हैं और ये रियल हैं, झूठ नहीं है, कि वो बॉक्सिंग में या जो भी उसमें कि वो एक झोंपड़े में और उनकी स्ट्रगल बहनों की करते करते वो कहीं पहुंच गई, वो आगे स्पोर्ट के अंदर हमारे मुल्क में भी ऐसा बहुत सारा टैलेंट है. डेफिनेटली हमारे मुल्क में वो कहते हैं ना हिडन टैलेंट जैसे कहते हैं. हम कैसे सर्च करें, तो कोई आइडिया है आपके पास? वो मुझे लगता है कि जैसे आई एग्री विद हानिया एंड मरियम कि उस टैलेंट को पॉलिश करने की ज़रूरत है. और जहाँ तक फैसिलिटीज़ की बात आती है तो वो हमारे मुल्क में उसकी बहुत ज़रूरत है. तो गवर्नमेंट को चाहिए कि इस तरह की ड्राइव्स चलाएँ कि एरिया वाइज या फिर सिटी वाइज, प्रोविंशियल वाइज कुछ इस तरह के इवेंट्स ऑर्गेनाइज़ करें जिसमें जो ग्राउंड लेवल के जो प्लेयर्स होते हैं जो सोचते हैं टीवी पे, जब बहुत से लोग होंगे जो हमें देख रहे होंगे वो इमेजिन कर रहे होंगे कि काश हमारे पास भी ये ऑप्शन होता या प्लेटफॉर्म होता तो हम भी यहाँ तक पहुँच सकते हैं. बट डेफिनेटली और टीवी पे ये बातें मतलब हम भी जब देख रहे होते हैं दूसरे प्लेयर्स को तो वो बहुत हमें सिंपल सी लग रही होती हैं. डेफिनेटली ये सब जो भी हम लोगों ने अभी तक कमाया है, जिसे कहते हैं खून पसीने की मेहनत से,